मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया है जो किताबों का नहीं कारतूस का शौकीन है। इनका नाम है श्री चंद्रशेखर यादव, जो मधेपुरा से विधायक हैं और ये 2020 में दिल्ली से जब पटना आ रहे थे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर इनके बैग में छिपा कर रखी गई 0.315 की 10 mm की 10 गोलियां थी, जिंदा कारतूस था और छिपा कर ला रहे थे। इस आरोप में पुलिस ने इनके बैग को जब्त कर लिया। इनको 2 घंटे तक थाने पर पूछताछ के लिए रखा गया। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री जी, आपके पास उस समय बंदूक का लाइसेंस क्यों नहीं था? आप दिल्ली से कैसे लेकर आ रहे थे? आप पुलिस को कोई सबूत भी नहीं दे पाए। यह बात अलग है कि बाद में जब आपने माफ़ी मांगी और कहा कि भूल बस मेरे बैग में गोली रह गई थी, तब कोर्ट ने विधायक की जिद रखते हुए आपको इस मामले में बरी कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो शिक्षा मंत्री कारतूस रखने का शौकीन है, वो लोगों को रोजगार दिलाएगा, रोजगार दिलाने में सक्षम बना पाएगा या अपर्ण उद्योग की शिक्षा देने का काम करेगा? तो मुख्यमंत्री जी, आपको ऐसे शिक्षा मंत्री मुबारक हो और ऐसे लोगों से बिहार की शिक्षा का कल्याण नहीं होगा। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।